ये सीम है, देखिए ये मेरे बगीचे में लगा हुआ है ये सीम, और ये विजय इस सीम को तोड़ रहे हैं अच्छे से। और ये सीम का पौधा है, और ये सीम तोड़ेंगे। देखो कितना सारा सीम हुआ, देखिए इतना सारा सीम हमने तोड़ लिया है। आज का सब्जी हमारा हो जाएगा सीम। और मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, ये बनभुटका बोलते हैं हम उसको, उधर देखो कितना सारा बनभुटका लगा हुआ है। देखिए दोस्तों इसमें काला काला आप फल देख रहे होंगे, ये देखिए काला काला लग रहा है इसमें। और इसको मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, काला काला बनभुटका। आप अपने भाषा में क्या कहते हैं इसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट में जाके। ये देखिए ये एक हिसाब से छोटी टमाटर भी होता है, इसको खाने से शरीर में बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। देखिए हमने काफ़ी सारा तोड़ लिया है, तो देखिए छोटी टमाटर के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, और ये खाने में काफ़ी खट्टा मीठा होता है। और अभी तो हमारे टमाटर छोटे छोटे हैं, इसमें टमाटर भी काफ़ी सारे हैं। और देखिए इस पौधे में कितनी चेरी लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए यहाँ कितने सारे हैं, देखिए इसमें भरा पड़ा है। और हमारा ज़्यादातर सब्जी जो है हमारे इस बगान से ही आ जाता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए देखिए कितने सारा चेरी है, देखिए देखिए मैं अभी तोड़ने जा रहा हूँ इसे। ये देखिए ये देखिए ये ऐसे आराम से हाथ में आ जाता है, देखिए बहुत ही आराम से ये हाथ में आ जाता है। और इसको हम सब्ज़ी में यूज करते हैं टमाटर की जगह, हम टमाटर कम यूज करते हैं अपने घरेलू सब्जी में, हम इसी को टमाटर के पर्पस पे मैं इसको यूज कर लेता हूँ। देखिए कितने सारे हैं, इसको मिथिला भाषा मतलब बिहार में जो लोग हैं इसको बनभुटका कहते हैं, और ये काफ़ी लाजवाब ताकतवर और घर में बगीचे में लगाने वाले कुछ। देखिए फूल पत्ती भी हमने लगा रखा है, इससे भगवान का पूजा याचना और आराधना करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये बनभुटका है, और मैंने आपकी इसकी विशेषताएं बताई हैं। तो ये बनभुटका को अब मैं इस पे डाल देता हूँ। ये सीम मैंने तोड़ लिया है ताजी, और ये बिना खाद पानी, इसमें मैं कोई खाद वाद यूज नहीं करता हूँ, और ये यहाँ पे अच्छे तरीके से हमें फसल देती है। ये छोटा सा बगान है हमारा, आपने देखा इसमें काफ़ी चीज़ें लगी हुई है, और बाकी वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। बहुत देखिए मिर्ची वगैरह भी लगा हुआ है, अभी ये छोटे छोटे हैं। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।